आपने इस घटना के बारे में सुना तो आपका तो दिल ही दहल गया होगा। अरे हमारा अभी खुद अभी तक हमारा 4 दिन हो गया, हमारा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। बहुत तकलीफ हुआ हमको तो। के पिता ने उसे दो दो बार मारने की कोशिश की। कितना पति है पता ही नहीं। क्या अगर बच्चों को आप नहीं रखना चाहते तो हमको दे दो, हम लोग रख लेंगे। वो मतलब ना मारा था एक बार गले में, तो हर लोग पूछे तो हमको ये बोलते थे कि भूत मारा है, भूत मारा है। और वो आदमी जो था ना हमेशा मतलब जेब में के घूमते रहता था। शौक पूरा करने के लिए ही तो आदमी को रखी है। प्यार से था बाबू, क्या किया पापा, कुछ मारा क्या? बोले हाँ वो मारा। 8 PM के आधार पे पता चला कि उसकी मारने से मृत्यु हुई है। पूरे माँ के नाम पे तो कलंक हो गई। वो तो स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1800 30। खुद अभी तक हमारा 4 दिन हो गया, हमारा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है बच्चे के कारण से। एकदम ना हम खाना खा पाते हैं ना हम सो पाते हैं। यहाँ कितने महीने पहले इन लोग आए थे? महीने नहीं, अभी महीना भी नहीं हुआ है अभी उन लोग को आए हुए। घटना तो यहाँ घटी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने से पहले वो महिला अपने पति के साथ कुम्हारी के वार्ड 12 में रहती थी। आइए जानते हैं वहाँ के लोगों से कि उन लोगों ने क्या देखा सुना है। रूप में देखते हैं, बहुत शर्मनाक घटना है। और माँ ने अपने बच्चे के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं दिखाया, और उसके पिता ने इस तरीके का घटना किया बच्चे के साथ। उसे दो दो बार मारने की कोशिश की, उसके बाद ही उसने थाने में शिकायत नहीं कराया। और लोगों के द्वारा यहाँ से उसको बताया गया कि तेरे बच्चे के साथ इस तरीके का घटना हो रहा है, तो इस द्वारा वो अपने घर को यहाँ से खाली करके चली गई। घर खाली करके जाने के बाद दूसरी जगह किराए में रहने लगी। वहाँ पर रहने के बाद फिर आगे उसके साथ भी वही दुर्घटना हुआ, और बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। जो बच्चे को माँ के सामने मार दिया गया, और उसने कहीं भी शिकायत नहीं की, ना किसी को बताया नहीं, और खुद भी वो शामिल थी उस कृत्य में। और अगर किसी को बताई रहती, अगर वो बच्चे को नहीं रखना चाहते थे
किसी को दे देते ही, कोई भी पाल लेता है, अनाथ आश्रम में छोड़ दिए जाती है। मोहल्ले वालों ने भी मांग की थी, मोहल्ले वालों ने भी बोले गए थे उसको कि अगर बच्चों को आप नहीं रखना चाहते तो हमको दे दो, हम लोग रख लेंगे। इस बात पे वो कुछ नहीं बोली। और पूछा गया कि तेरे पति के द्वारा उसको मारा पीटा जाता है, तो उसने कुछ बोला कि नहीं, उसको भूत धर लिया गया है। अच्छा। अनेक उसको प्रकार से उसको बताया गया, मनगढ़ंत कहानी बनाई इसी दौरान बना के, और आखिर उसकी हत्या कर दी गई। आप किस हिसाब से देखती इस घटना को कि एक माँ ने क्रूरता पूर्वक अपने बच्चे की हत्या में शामिल? मुझे तो बोलने नहीं आएगा, पर भी देखी हूँ। मेरे पास खुद वो आई थी कि देख मेरा बच्चा को ना ऐसे गलत उसी लगा के। मैं बोली अब गलत बोलूंगी तो बोलना मत। मैं बोली तू ही ऐसी है, अपना रखने के लिए, अपने साथ शौक पूरा करने के लिए ही तो आदमी को रखी है। अपने बच्चे को ही मार के तो कुछ सब सह के तू देख रही है और करवा रही है। रहना है तो उसको छोड़, और नहीं रहना तो घर खाली कर चले जा, हम नहीं देख सकते। तू मारते रहेगी, पीटते रहेगी, बच्चे को यहाँ यहाँ मारे थे, यहाँ यहाँ मारे, चड्डी खोल के देखे थे कि पूरा काला काला निशान आ गया था। वो कब की घटना रही होगी, कितने काला निशान वाला? अभी अभी अभी, हाँ जब थे ना यहीं पर तब ऐसे करे। यहाँ से खाली कर गए कितना दिन हो गया? 2 महीना हो गया। एक महीना एक महीना नहीं, कंफर्म नहीं। आप लोग को भी पता नहीं कब आके चले, कब गई वो? नहीं गई। तो आप लोग जैसे आप लोग मोहल्ले में रहते थे तो बच्चे का रोने होने का भी चीख का अचानक सुनते रहे हो? नहीं, दरवाजा बंद कर देते। अच्छा, दरवाजा बंद करके छोड़ के भाग जाते दरवाजा बंद करके। जो भी होता था रात को ही होता था, जो भी होता था रात को ही हुआ था। हम लोग सवेरे यहाँ कुछ ब्रेंच में लाए थे, बैठाए थे, तो उनके गले में सेप ऐसे वी टाइप का था, जो मतलब ऐसे ऊपर टाइप का आते है ना, तो तभी वो लगता है। हाँ, छीला छीला टाइप का आ गया था, मतलब जैसे अगर जैसे रस्सी से नहीं टूटे जाता ना तो उसी समय मर जाता हूँ। अच्छा, बच्चे ने कभी आप लोगों से कुछ कहने की बात की? नहीं, डरता बहुत था, पर प्यार से था। बाबू क्या किया, पापा कुछ मारा क्या? बोले से हाँ, वो मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, यहाँ मारा, पर मुंह में मारे थे, पर मुंह में थोड़ा सूजन हो गया था। अच्छा, बच्चा बताता था? बताता था। तो ये पिता जो दूसरा पति जो है महिला का, कितना पति है पता ही नहीं। थक के पंजाब से आई थी तो यहाँ उसको बनाई थी अभी एक आध दो महीना पहले। इसका जो ओरिजिनल पति जिससे शादी हुई, नहीं देखे तो हमको खुद नहीं मालूम है, मोहल्ला में किसी को नहीं पता है कौन है कौन नहीं है। हाँ, उसमें आप घूमते घूमते आप खुद आधा उम्र गुजर जाएगा आपका ही। आप कितने साल से जानती हो? अभी हो गया मतलब 2 साल मान लो। दो साल से जानते हैं? 2 साल से मतलब रहते थे यहाँ, वहाँ रहते थे पहले शुरू में, उसमें वहाँ रहने के बाद फिर उसके बाद पंजाब गए। पंजाब के बाद 1-1.5 साल बाद दोनों बच्चों को लेकर आई तो यहाँ कहने उसको मतलब घर दिलाए किराए में। फिर दूसरा पति रहा ना तो मारपीट वाला ऑब्जेक्शन हुआ ना, तो उसके नाम से आजू बाजू वाले सब भड़क गया उसके ऊपर कि ये कैसे करके लगा, मोहल्ले वाले विरोध करने लगे। विरोध करने लगे तो उसके बाद वो खाली करके उधर चले गए शंकर नगर में। कब रहती थी? अभी 1-1.5 महीना पहले रहते थे, अभी 1-1.5 महीना से खाली करके चले गए शंकर नगर में। जहाँ जब वो रहती थी तो बच्चे के साथ क्रूरता करती थी? वो नहीं की थी, जो नया अभी जो हस्बैंड बनाई थी ना, वो मतलब ना मारा था एक बार गले आया था, तो हर लोग पूछे तो हमको ये बोलते थे कि भूत मारा है, भूत मारा है। तो उसको हमने कई बार पूछा भी, भूत मारा तो खाली उसी को मारता, तुमको नहीं मारता? भूत मारा यानी कि वो माहौल को दूसरे टाइप क्रिएट करना चाहता। हाँ, मतलब हर लोग पुलिस में जैसे ना 10-12 जन इकट्ठा हो गए, जैसे बोले ना कि थाना में चलो बोल के, तो मना कर दी, नहीं भूत मारा है बोल के मना कर दी। और जबकि उसके गले में रस्सी यहाँ तक का मतलब पूरा चिन्हान था। हाँ, ये कितने दिन पहले की घटना हुई? ये मेरे हिसाब से 2-2.5 महीना हो गया होगा। अच्छा, घटना हुआ जब मोहल्ले वाले ऑब्जेक्शन किए, उसके बाद ही खाली करके चल दिए? हाँ, उसके बाद मतलब कई जन कंप्लेन किए जिनका घर है, वो खाली करा दिए। आप लोग के सामने कभी ऐसा कृत होते देखे? नहीं, सामने में तो मारते नहीं देखे, लेकिन एक दो बार आप लोग भी गए वो समझाने? हाँ, समझाने गए 2 बार, मतलब एक दो बार और मतलब उसको मुंह फटा था तो बोले कि सीढ़ी से गिर गए हैं बोल के। फिर उसके बाद गले में रस्सी लगा तो उसमें मतलब ज्यादा लोग यहाँ मतलब भड़क गए थे। वो मतलब उसकी माँ का गलती नहीं, वो जो अभी नया जो हस्बैंड बनाई है ना, वो सब कांड उसी का ही है। ये नया हस्बैंड कितने दिन पहले बनाई है? ज्यादा नहीं, उसको हो रहा होगा 2-2.5-3 महीना हो रहा होगा। लेकिन जब से नया हस्बैंड बनाए ना, तब से मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ठीक नहीं था, मतलब बच्चा मतलब 2-3 बार मार खाते हो गया उससे। हाँ, 2-3 बार हाथ भी छपा हुआ था, और वो आदमी जो था ना हमेशा मतलब जेब में घूमते रहता था, जो दूसरा पति जो भी है। हाँ, अभी जो है ना दूसरा पति जेब में घूमते रहता था। तो और भी किसी और भी लोगों से उलझता था? और किसी से तो नहीं उलझता था, लेकिन नशा में रहता था हमेशा। वो क्या पैसा था रहा होगा उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन वो काम करता था आगे, वर्धमान शोरूम है ना, वहाँ कहीं मतलब आगे मुदरी कहीं काम करता था। बच्चे को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। क्या देखती थी आप यहाँ पर? देखे थे हम लोग एक बार ना बच्चे को मतलब अंदर से लेकर आए थे कुछ दिन पहले, 1-1 महीने पहले की बात है,
लगा दिया था, बांध दिया था सर, पूरा दाग हो गया था, कट गया था, कट गया था पूरा। तो कोई महिला जाके उस समय छोड़ाई थी बच्चा? हम लोग सबको मतलब बाहर तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, बाद में पता चला तो हम लोग सब चिल्ला रहे थे ऐसे कि ऐसा नहीं करो, क्यों कर रहे हो भैया से, मतलब आसपास में रह के सब माहौल भी पूरा। क्या लगता है 4 साल के बच्चे को इतनी क्रूरता से मारना और उसमें उसकी माँ का साथ देना, किस हिसाब से देखते हो इसको आप? नहीं नहीं भाई, बहुत बड़ी गलती है भाई, मानवता सर्वसाधारण। हाँ, तो पूरे माँ के नाम पे तो कलंक हो गई वो तो। मैंने सुना कि बच्चे को पालने के लिए भी यहाँ की महिलाएं, सभी को मतलब पालना चाह रही थी, अगर देती जरूर तो मतलब छोड़ के भी जाती तो इंसान जैसे ही पाल ही लेते, पाल लेते भैया उनको दे देती। आपने जब सुना कि उस बच्चे के साथ ऐसा हो गया कैसा लगा? बहुत तकलीफ हुआ हमको तो, बहुत दुख हुआ, क्या करें। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है, पुलिस की क्या कार्रवाई है। मामला थाना कुम्हारी का है। वहाँ पे किराए में एक दंपत्ति बाहर से आके रहते थे, जिनका एक सौतेला बेटा भी था। पुलिस को सूचना मिली कि उनके द्वारा बच्चे से मारपीट की गई है, जिसके कारण बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है। तो पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल से संपर्क करके पूछा गया तो पता चला कि बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिर पुलिस ने 60 PM के आधार पर पता चला कि उसकी मारने से मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने माता पिता दोनों को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। सर ये दूसरी शादी थी महिला का बता रहे हैं? हाँ, ये जो पुरुष का सौतेला बेटा था, महिला पहले से शादीशुदा थी, जो वर्तमान में फिर इससे शादी की थी। तो इस कारण से पहले भी बच्चे के साथ इसके पिताजी, जो अभी वर्तमान के पिताजी हैं, उनके साथ मारपीट की जाती थी। बीच में पड़ोसियों ने भी इस संबंध में उनको बचाया था, आपस में लड़ रहे थे जब। तो अभी वर्तमान में जब वर्तमान घटना घटी तो ज़्यादा ही मारपीट बच्चे से कर देने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे को पहले भी मारा जाता था? हाँ, एक बार और घटना घटी थी जिसके बारे में पड़ोसियों ने बताया है। सर इसमें हत्या किसके द्वारा किया गया, माँ के द्वारा? इसमें दोनों उपस्थित थे उस दौरान घटना के दौरान, और बताया गया कि दोनों ने मारपीट की, इस कारण से दोनों को आरोपी बनाया गया। मार पड़ने से ही मर गया कि कुछ? हाँ, डॉक्टर के द्वारा ये बताया गया है कि उसकी मृत्यु जो हुई है वो मारपीट करने से ही हुई है। क्या व्यवसाय करते हैं? छोटा मोटा जो बाहर में ऐसे ही जो दैनिक जो लोग करते हैं उसी तरीके से लोग आए, बाहर से आए हुए हैं और यहीं किराए में रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।